हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं। सब्जेक्ट का नाम है ज्योग्राफी। और आज का वीडियो हमने कहां से तैयार किया है? आज का वीडियो हमने स्टैंडर्ड 6 जिसका दूसरा चैप्टर और यह पहला वीडियो तैयार किया है। और स्टैंडर्ड 6 में दूसरा चैप्टर कौन सा है? ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, इंग्लिश में बोले तो लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो आज मैं आपको अक्षांश एवं देशांतर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन विद क्वेश्चन बताऊंगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यह वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे, लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है यह ग्लोब, और ग्लोब में दोस्तों यहां है 0 डिग्री, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इक्वेटर। क्या? इक्वेटर। और इक्वेटर हमारे पृथ्वी को दो हिस्सों में बराबर बांटता है, और यह है उत्तरी गोलार्ध और यह है दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां हमें पता होना चाहिए कि इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा 0 डिग्री रेखा को बोलते हैं, जो हमारे ग्लोब को दो हिस्सों में बराबर बांटता है। यहां मैं आपके सामने एक गेंद लेकर आया हूं, यह है गेंद। तो यह है, मान लीजिए यह हमारा ग्लोब है, और हमारा ग्लोब गेंद की तरह बिल्कुल राउंड शेप में नहीं है, यह है ऑरेंज की तरह, इसी तरह। तो यहां पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटने वाली रेखा जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर, जो 0 डिग्री पर होती है। तो इसी तरह दोस्तों यह ग्लोब को दो हिस्सों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। और इसका ऊपरी हिस्सा इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और निचला हिस्सा इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो चलिए हम बात करते हैं ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के। तो यहां जो यह मैं रेखाएं खींच रहा हूं इसे बोलते हैं लेटिट्यूड। क्या? लेटिट्यूड, यानी कि लेटी हुई है, इसे बोलते हैं लेटिट्यूड। और यहां जो यह रेखाएं मैं खींच रहा हूं यह है लॉन्गिट्यूड। क्या? लॉन्गिट्यूड, लेटी हुई लेटिट्यूड। तो लेटिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं देशांतर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो यहां आपकी स्क्रीन पर इस इमेज को देखिए कि यहां दोस्तों मैं आपके सामने यह जो खींच रहा हूं रेखा, वह है विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के यह ऊपरी हिस्से को उत्तर गोलार्ध कहते हैं, यह है उत्तरी गोलार्ध, और निचले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और यहां पर 90 डिग्री पर क्या होता है? यहां पर 90 डिग्री पर होता है दक्षिणी ध्रुव, और उत्तर में 90 डिग्री पर होता है यहां उत्तरी ध्रुव। ओके। और यहां दोस्तों इमेज में आप देख सकते हैं कि इसी तरह की कुछ महत्वपूर्ण लेटिट्यूड होती है, वो खास तौर पर उनको नाम दिया गया है। कैसा नाम? जैसा कि यह है इक्वेटर। ओके, इक्वेटर है 0 डिग्री पर। तो यहां से दोस्तों 23.5 नॉर्थ पर एक और रेखा खींची गई है जिसे बोलते हैं कर्कवृत्त। क्या? कर्कवृत्त, इंग्लिश में बोले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहां यह है दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां पर भी 23.5 डिग्री साउथ पर एक रेखा खींची गई है जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और हिंदी में बोले तो मकर वृत्त। ओके, तो विषुवत वृत्त जिसे हम खींचते हैं तो यह है 0 अक्षांश। और अक्षांशों के आकार के बारे में मैं बताऊं तो यह 0 डिग्री वाली जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, तो यह सबसे बड़ा अक्षांश है। और जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में हम जाएंगे तो यह अक्षांश की जो रेखाएं हैं वो छोटी होती जाएंगी। ओके, और जो लॉन्गिट्यूड है वो छोटी या बड़ी नहीं होती है, सभी एक समान होती है। ओके, तो अक्षांशों का आकार हम 0 डिग्री से साउथ या नॉर्थ में जाए तो यह जो अक्षांशों का आकार है वो धीरे धीरे घटता जाता है, यानी कि अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती है। और उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी, क्या? उत्तर या दक्षिण की जो कोणीय दूरी है
इसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो चलिए पहले तो मैं साफ कर लेता हूं। यहां से दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो यहां पर है 0 डिग्री और यहां एक कोणीय दूरी बनती है, कितनी 23.5 डिग्री, और इसी तरह यहां पर भी 23.5 डिग्री या कोणीय दूरी बनती है, और यह दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहां जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है इसे बोलते हैं कर्कवृत, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरह दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री साउथ इधर, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो यह जो रेखा बनती है इसे बोलते हैं मकर वृत्त, इंग्लिश में बोले तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई उनके आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहां 3 सेंटेंस दिए गए हैं, तीनों पर ध्यान से हमें पढ़ना है, विचार करना है। पहला सेंटेंस, विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही बात कि 0 डिग्री किसको प्रदर्शित करता है, विषुवत वृत्त को प्रदर्शित करता है, तो यह पहला सेंटेंस बिल्कुल सही। दूसरा सेंटेंस, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो मैंने आपको बताया कि यहां 0 डिग्री से हम चाहे नॉर्थ पोल की ओर जाए या साउथ पोल की ओर, तो जो अक्षांशों का आकार है वो घटता जाता है, तो दूसरे नंबर का सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। तीसरा सेंटेंस, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। यहां गलत है, क्योंकि यह कोणीय दूरी की जो यहां रेखाएं खींची जाती है इसे बोलते हैं अक्षांश, नहीं कि रेखांश। और यहां हमें पूछा गया है कि देशांतर कहते हैं, देशांतर नहीं कहते हैं, इसे अक्षांश कहते हैं, तो तीसरे नंबर का सेंटेंस गलत हो गया। और यहां हमें पूछा गया है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो एक और दो नंबर के सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर बन जाता है एक और दो नंबर का सेंटेंस बिल्कुल सही। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो एक और दो, हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। और यहां इसकी व्याख्या में स्पष्ट करो तो केवल कथन एक एवं दो ही सत्य है, क्योंकि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी का माप को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और यहां हमें क्या बताया गया था, क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, देशांतर नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, कि विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। क्या, यह कोणीय दूरी की माप को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, और इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अक्षांशों में मापा जाता है, और विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर ध्रुवों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। तो यहां यह है इक्वेटर, और इक्वेटर के समानांतर यह सभी जो रेखाएं मैं खींच रहा हूं इसे बोलते हैं अक्षांश। और अक्षांश जब हम नॉर्थ में जाए या साउथ में जाए तो अक्षांश का जो माप है वो घटता जाता है। सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है, 0 डिग्री इक्वेटर। ओके, और विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, और विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार क्या, घटता जाता है। क्लियर दोस्तों, कैसा फील हो रहा है, मेरी यह जियोग्राफी की 5वीं लेक्चर है, क्योंकि इनसे पहले मैंने आपको हमारे सोलर इक्लिप्स यानी कि ब्रह्मांड से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण वीडियो बनाए हैं, और हमने हमारी यूट्यूब चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार किया है जिसका नाम है NCERT जियोग्राफी वीडियो। वहां पर जाकर हमारे सारे जियोग्राफी से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं, और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को इस वीडियो के लिंक शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां हम समझ लेते हैं कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, उत्तर ध्रुव वृत्त क्या है और दक्षिण ध्रुव वृत्त क्या है। तो यहां इमेज को देखिए, यह एक काल्पनिक है ग्लोब, यह एक काल्पनिक है। तो यहां मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ओके, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्या,
या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। और यहां से इस ग्लोब को देखिए, यहां पर है 23.5 डिग्री, इसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर जो रेखाएं खींची जाती है इसे बोलते हैं कर्क रेखा। मकर रेखा किसे कहते हैं, तो यह है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, यह जो मैं खींच रहा हूं यह है मकर रेखा, ओके। और 23.5 डिग्री 0 अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री या कोणीय दूरी पर जो रेखा बनती है इसे बोलते हैं मकर रेखा। उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त किसे बोलते हैं, तो याद रखो दोस्तों, यहां से 0 डिग्री से यहां एक रेखा में खींचता हो उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर या जो कोणीय दूरी बनती है यह रेखा को उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। इसी तरह 66.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखाएं खींची जाती है इसे बोलते हैं दक्षिण ध्रुव वृत्त, ओके। तो चलिए इसी के आधार पर यह क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नीचे दिए गए सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए, यानी कि सूची एक को सूची दो के साथ सुमिलित करना है। तो चलिए आप बता सकते हैं, वेरी नाइस। कर्क रेखा, कर्क रेखा किसे बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तर, क्या यह 23.5 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा बोलते हैं। तो यहां एक के सामने आ जाएगा दो, 23.5 डिग्री उत्तर। मकर रेखा किसे बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा बोलते हैं। मैंने आपको मैप के जरिए समझाया कि 23.5 डिग्री या दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा खींची इसे बोलते हैं मकर रेखा। और उत्तरी ध्रुव वृत्त किसे बोलते हैं, 66.5 डिग्री उत्तर को, 66.5 डिग्री उत्तर को उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिण को दक्षिण ध्रुव वृत्त बोलते हैं। तो एक के सामने क्या आएगा, एक के सामने आएगा दो, बी के सामने क्या आंसर आएगा, बी के सामने 3, सी के सामने क्या आंसर आएगा, 4, और डी के सामने आंसर आएगा 1। तो इसी तरह का कूट हमें कहां दिया गया है वो हमें यहां ढूंढना है कि एक के सामने दो, एक के सामने दो कहां पर है, एक के सामने दो यहां पर है, यहां पर है, तो बी और सी दोनों में से एक आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहां B के सामने 3, तो B के सामने 3 कहां पर है, यहां पर है, तो आंसर मिल गया। दोस्तों इसी तरह के कूट वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन को समझना पड़ता है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि A के सामने 2, B के सामने 3, C के सामने 4 और D के सामने 1। तो यहां इसी तरह के कूट को दिया गया है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, और आपका सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वाकई में आपको यह जियोग्राफी पढ़ने में कैसा फील हो रहा है, ओके। आगे बात करें तो यहां कुछ व्याख्या भी दी गई है इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए। एक व्याख्या दी गई है कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री को बोलते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त, 90 डिग्री उत्तर को उत्तर ध्रुव बोलते हैं, और 90 डिग्री दक्षिण को दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है, जैसा कि मैप में मैंने आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर या 23.5 डिग्री उत्तर, तो उत्तरी गोलार्ध में यह कर्क रेखा है। दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में यह है मकर रेखा। आगे बात करें तो तीसरी बात, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, जिसे आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है, यह है आर्कटिक वृत्त। और चौथा, विषुवत वृत्त के 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त, तो यहां पर है 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव वृत्त, जिसे बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त, क्या यह अंटार्कटिक वृत्त और यह है आर्कटिक वृत्त। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहां ग्लोब में देखिए, 23.5 डिग्री उत्तर में यह है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में यह है मकर रेखा, दोनों के बीच का यह क्षेत्र
जहां धूप ज्यादा पड़ती है इसे बोलते हैं उष्णकटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। आगे बात करें तो कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यह है कर्क रेखा और यह है उत्तरी ध्रुव वृत्त, दोनों के बीच का क्षेत्र। यहां न ज्यादा धूप न ज्यादा ठंड, इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। तीसरी बात, उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। तो यहां ग्लोब में देखिए, यह है उत्तरी ध्रुव वृत्त और यह है उत्तरी ध्रुव और यहां ज्यादा ठंड पड़ती है और इसे बोलते हैं शीत कटिबंध। क्या? शीत कटिबंध। तो मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां उत्तर में यह कर्क वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र जिसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, इसी तरह यहां दक्षिण में मकर वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र इसे भी बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंध, लेकिन दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहा जाता है। तो यहां पर यह है शीत कटिबंध, यहां पर भी ठंड ज्यादा होती है। तो चलिए इसी फैक्ट को लेकर यह क्वेश्चन का आंसर बताइए। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो हमें यहां ढूंढना है। तो पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। यहां पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जिसे शीत कटिबंध कहा जाता है, गलत है। शीत कटिबंध नहीं कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो पहले नंबर का जो सेंटेंस है वो है गलत। दूसरी बात, कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है। क्या? कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के बीच का क्षेत्र जिसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, तो यह शीतोष्ण कटिबंध नहीं बल्कि उष्ण कटिबंध है। तो दूसरा सेंटेंस भी गलत। तीसरा सेंटेंस, दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है, यहां भी गलत है। क्योंकि दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव और इसे बोलते हैं शीत कटिबंध, लेकिन यहां पूछा गया है, कहा गया है उष्ण कटिबंध, तो यह भी गलत। तो हमें यहां ढूंढना है कौन से सुमेलित नहीं है। उपर्युक्त सभी सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। तो सही आंसर क्या बन गया? उपर्युक्त सभी। इसकी व्याख्या भी हम कर लेते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। कहां पर? यहां साल में एक बार सिर के ऊपर सूर्य होता है और इसीलिए यहां सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा धूप यहां पर पड़ती है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, तो यह है नॉर्थ पोल और यह है साउथ पोल। यहां पर सूर्य की जो किरणें होती है वो तिरछी गिरती है। कैसी? तिरछी होती है। और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्मी। ऐसा क्षेत्र कौन कौन सा है? तो यहां मैंने आपको बताया था कि यह क्षेत्र है, यहां न ज्यादा धूप न ज्यादा ठंड। और इसी तरह उत्तरी गोलार्ध में भी, यहां पर भी न ज्यादा ठंड न ज्यादा धूप, और इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यह शीतोष्ण कटिबंध, यह भी शीतोष्ण कटिबंध। और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं कि यह है दोस्तों उत्तरी शीत कटिबंध और यह है दक्षिणी शीत कटिबंध। यहां ज्यादा ठंड होती है क्योंकि यहां जो सूर्य की किरणें है वो यहां जाकर तिरछी हो जाती है, क्योंकि यहां सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है,
इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शीत कटिबंध कहलाते हैं। आगे बात करें तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। तो यहां इमेज में देखिए या ग्लोब में देखिए कि यह है इक्वेटर और इक्वेटर के समानांतर यह जो सभी रेखाएं खींची जाती है इसे बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं? अक्षांश वृत्त। और सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान नहीं रहता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे हम उत्तर में या दक्षिण में जाते हैं तो यह जो अक्षांश रेखाएं है वो छोटी होती जाती है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कथनों पर विचार करने के बाद आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सत्य है। दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। बिल्कुल सही बात कि यह है 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर। इक्वेटर के समानांतर यह सभी रेखाएं, इसे क्या बोलते हैं? अक्षांश वृत्त। और सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। यहां गलत है क्योंकि सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है इक्वेटर और बाद में उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह यह अक्षांश वृत्त की जो लंबाई है वो कम होती जाएगी। तो यहां दूसरे नंबर का सेंटेंस गलत है क्योंकि एक समान नहीं रहता है। तो हमारा आंसर बन जाता है केवल एक नंबर का सेंटेंस है वो बिल्कुल सत्य है। क्या आंसर आएगा? केवल एक वाला कथन है वो बिल्कुल सत्य है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। क्या? जैसे जैसे इक्वेटर से हम दूर जाते हैं ऐसे ऐसे यह जो अक्षांश वृत्त है इसका आकार घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तो यह 0 डिग्री पर है इक्वेटर। इक्वेटर के समानांतर यह जो सभी रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में मैंने खींची इसे बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। और इसी तरह विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। यह सभी है दक्षिणी अक्षांश। आगे बात करें तो अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है तथा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर की होती है। यह 0 डिग्री पर है इक्वेटर। 0 डिग्री पर इक्वेटर। 1 डिग्री पर मैंने एक और अक्षांश रेखाएं खींची तो यहां दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर की होती है। और लॉन्गिट्यूड की भी बात कर ले। क्या? लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड में आपको पता चल जाएगा कि यहां जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल, तो यहां लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी कितनी होती है? 0 किलोमीटर होती है। लेकिन यहां 0 डिग्री इक्वेटर पर यहां लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.321 किलोमीटर की होती है। आगे बात करें तो देशांतरीय याम्योत्तर रेखाएं। क्या? देशांतरीय याम्योत्तर, जिसे हम इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो यह जो इमेज में आप देख सकते हैं ग्लोब पर खींची गई यह काल्पनिक जो रेखाएं है इसे बोलते हैं देशांतरीय याम्योत्तर। और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा जिसे क्या कहा जाता है? देशांतरीय याम्योत्तर। इंग्लिश में बोले तो लॉन्गिट्यूड। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? या उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली यह संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतरीय याम्योत्तर। यानी कि देशांतरीय याम्योत्तर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। ओके, तो सही आंसर है देशांतरीय याम्योत्तर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहा जाता है यानी कि लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। आगे बात करें तो किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरीय याम्योत्तर से पूर्व या पश्चिम की और इन स्थानों की दूरी कितनी है। हमारे ग्लोब पर, हमारी पृथ्वी पर कोई भी स्थान का लोकेशन हमें जानना है
तो इसके लिए क्या आवश्यक है? किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरीय यम्योत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इसी के जरिए हम लोकेशन का पता लगा सकते हैं। और यम्योत्तरों के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर की होती है। तो यहाँ है यह यम्योत्तर, ओके, यह है यम्योत्तर। और यम्योत्तर में यहां मैंने जो लकीर खींची इसे बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। तो इक्वेटर पर यह दोनों यम्योत्तर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर अधिकतम होती है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि ध्रुवों पर न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 0 किमी होती है, क्योंकि यहां सभी जो देशांतरीय रेखाएं हैं या तो यम्योत्तर है हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड है, वो यहां पर एक साथ मिल जाती है। और स्थान का मानक समय निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण लॉन्गिट्यूड का नाम क्या है, जिसे हम प्रमुख यम्योत्तर कह सकते हैं, इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन कह सकते हैं, जिसके आधार पर पूरे विश्व का स्टैंडर्ड टाइम निश्चित होता है, फिक्स होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, किसी स्थान का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है क्या? किसी स्थान का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? प्रमुख यम्योत्तर, इंग्लिश में बोले तो प्राइम मेरिडियन के आधार पर यह समय तय किया जाता है। तो सही आंसर है प्रमुख यम्योत्तर। देशांतरीय यम्योत्तरों की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, कहां यह ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाली यम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यानी कि एक तरफ हो गया पूर्वी गोलार्ध, दूसरी तरफ हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो इस यम्योत्तर को प्रमुख यम्योत्तर कहते हैं, क्या? इस यम्योत्तर को प्रमुख यम्योत्तर कहते हैं, तथा इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना और यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी तक गणना करते हैं। और दोस्तों, हमारे पूरे विश्व को विभिन्न टाइम जोनों में बांटा गया है और हमारा भारत देश का जो टाइम जोन है वो किसके आधार पर तय होता है? तो यह जो प्राइम मेरिडियन है उनके आधार पर यह टाइम फिक्स होता है। तो हम यह जो प्रमुख यम्योत्तर रेखाएं हैं उनसे कितने घंटे आगे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे वाले पार्ट में हम इसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। और यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।